आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिला मुख्यालय के पास वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी के निवास पर शहर कांग्रेस की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में झारखंड के विधायक इरफान अंसारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जिला मुख्यालय के पास वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी के निवास पर कांग्रेस की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में झारखंड के विधायक इरफान अंसारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इरफान अंसारी ने कहा कि देश और प्रदेश में लोगों के दिलों में धर्म की राजनीति हिंदू और मुस्लिम का जहर घोलकर शासन कर रही है। इस बार जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शासन को बदलने का मन बना लिया है। आने वाले समय में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बनाने का कार्य करेगी। मुझे प्रियंका गांधी जी ने जवाब दे दिया है आगरा का साउथ का। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत हो, कैसे हम लोग दोबारा सत्ता में आए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो आप जा रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत, हम लोग औरतों को जोड़ रहे हैं क्योंकि महिला शक्ति जो है वो सबसे मजबूत शक्ति है देश में, और बिना महिला का कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुर्भाग्य है कि कैसे बढ़ गया हमारा योगी और मोदी जी, ये तो चिंता का विषय है। ये लोग तो लोगों का शोषण और जुल्म कर रहे हैं एकतरफा, क्योंकि इनके अंदर इमोशन नहीं है। अब इनके अंदर इमोशन नहीं होता वो कभी भी किसी के हित में अच्छा सोच भी नहीं सकता है। अभी आप देख लीजिए ये 5 साल होने जा रहा है, योगी जी का क्या कारनामा है? कुछ नहीं, महंगाई चरम पर है, मीडिया भाई मारे जा रहे हैं, जनता त्रस्त है, मध्यम वर्ग सड़क पे आ गया है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है धर्म के नाम पर ये अपना रोटी सेक रहे हैं। एक तरफ धर्म पर लाके खड़ा कर दिए हैं, दूसरा तरफ जनता के साथ जुल्म कर रहे हैं। नोटबंदी हुआ, GST, अभी सुनने में आ रहा है कि 12% GST, कौन देगा पैसा? क्या सरकार बनती है क्या लोगों को खून पीने के लिए? क्या सरकार का मतलब है कि राहत देना है जनता को? अब राहत तो नहीं दे रहे हैं, अगर कोई पूछेगा तो कह देगा ये लोग मंदिर मस्जिद। पत्रकार में शामिल कांग्रेस के तेज तर्रार पार्षद शिरोमणि सिंह ने कहा कि प्रदेश में जनता भाजपा शासन में महंगाई, अपराध और धर्म की राजनीति से आजीज आ चुकी है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अंसारी जी का स्वागत करता हूं, आगरा की जनता के लिए संदेश छोड़ा है वो बहुत अच्छा लगा, और इनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ का जायजा लेना है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से वो करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, उस आधार पर यहाँ चुनाव होगा और यहाँ बता के भी जाएंगे हमें और बता भी दिया कि यहाँ कैसे चुनाव लड़ना है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो अभियान चल रहा है प्रियंका जी का वो हम लोग उसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अरे अंसारी जी, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो हैं, जो 2 दफ़ा के बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में MLA हैं, और उनको प्रियंका गांधी जी ने यहाँ भेजा है प्रभारी बना के, तो ये अलग जगाने के लिए आए कांग्रेसियों में कि कांग्रेसी बेदार हो जाएं, और ये आगरा दक्षिण के जो हैं ये प्रभारी हैं, और आगरा एक सुलहकुल नगरी है, यहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ आज़ादी से लेके अब तक, लेकिन कोशिश ज़रूर जारी रहती है शैतानों की, लिहाजा अब वो शैतान जो है वो बेबस हो गए हैं अब, क्योंकि पूरे देश का माहौल जो है वो दूसरा हो गया, लोग समझ गए, अब लोग मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम पे हंस के चले आते हैं हमारे हिंदू भाई के ये सब ले आए। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी निवास पर हुई पत्रकार वार्ता में आगरा प्रभारी विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू और वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।